बढ़िया नज़ारा है देखिए, और कितने प्यार से, और दोनों बैंडेज के। आजा फाइनली हम लोग काफ़ी दूर नोडिया डिस्ट्रिक्ट रानाघाट फॉरेस्ट के अंदर आ गए हैं, और इसी जगह पे हम लोग सारे स्नेक को रिलीज़ कर देंगे उसके ही नेचर में। बिग बिग साइज का कोबरा है, बिग बिग साइज का रसल वाइपर है, बिग बिग साइज का बैंडेड केट है, और भी काफ़ी सारे स्नेक है। तो अंधेरा होने ही वाला है, आज ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि काफ़ी दूर हम लोग आए हैं दूसरा फॉरेस्ट में। तो आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग दो बैंडेड केट को रिलीज़ करेंगे, और उसके साथ ही एक स्टिपेड किल बैग भी है जो बिल्कुल नॉन पॉइजन स्नेक है, लेकिन जो बैंडेड केट होता है उसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम रहते हैं, और बैंडेड केट रात में ही निकलते हैं, रात में ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और दोनों ही स्नेक को हमने रात नहीं सॉरी एक को हमने रात में रेस्क्यू किया था किसी के घर से, और एक को हम लोगों ने एक पोल्ट्री फार्म से नेट काट के इसको आज़ाद किया था। तो देखिए दोनों ही बैंडेड केट के, और इसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम रहते हैं। और देखिए स्टिपेड किल बैक नॉन वेजन स्नेक है वो चला गया है, और दोनों बैंडेड केट है। देखिए बहुत ही प्यार से अपने नेचर में जा रहा है। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए हम लोग जल्दी कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग दो बिग साइज का इंडियन रसल वेपर को रिलीज़ करेंगे, और इसमें शायद एक मोनोकलेट कोबरा है, और इसमें एक बिग साइज का इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। दोनों को हम लोग साइड पे रखते हैं, और फिलहाल रसल वाइपर को पहले रिलीज़ करते हैं क्योंकि रसल वाइपर बहुत ही एग्रेसिव स्नेक है और बहुत ही डेंजर है, और दोनों ही काफ़ी गुस्से में है, एग्रेसिव है, इसलिए हम लोग इसको प्यार से उसके नेचर में रिलीज़ कर देंगे। और स्नेक को छोड़ते टाइम संभाल के छोड़ना पड़ता है क्योंकि नेचर में आते ही ये और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो दोस्तों देखिए मैं इसको प्यार से रिलीज़ करने वाला हूँ, और नज़ारा आप लोगों के सामने रहेगा। देखिए दोनों ही बिग साइज का रसल वाइपर हैं, देखिए दोस्तों दोनों ही इंडियन रसल वाइपर हैं, और कितने प्यार से अपने नेचर में सेफली चला गया है। तो इसके बाद हम लोग एक मोनोकलेट कोबरा और एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा को रिलीज़ करेंगे। तो उससे पहले दिखाते कोबरा को, क्योंकि कोबरा जाना जाता है अपने हुड के वजह से। और इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है स्पेक्टिकल कोबरा और मोनोकलर कोबरा में क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंस है, उसका भी वीडियो आ जाएगा। और दोस्तों जो स्पेक्टिकल कोबरा है इसको लोग एल्बिनो कहते हैं, क्योंकि ये जो मेरे हाथ में कोबरा है इसके पीछे भी, इसके हुड के पीछे, फन के पीछे डिजाइन नहीं है, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है क्योंकि लोगों को ठीक तरह से पहचान नहीं आता, ऐसा कुछ होता नहीं। एल्बिनो कोबरा जो होता है वो फुल वाइट में होता है। तो दोस्तों देखिए इसमें एक मोनोकलेट कोबरा है, मैं दोनों को एक साथ दिखाने की कोशिश करूंगा फिर से। देखिए
और इसके अंदर एक बिग साइज का इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बहुत ही बढ़िया नजर आए, देखिए और हम लोग इसको प्यार से रिलीज कर देंगे। जा अपने नेचर में सेफली चला जा, आजा 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 आजा। ठीक है दोस्तों, वो अपने आप धीरे धीरे चला जाएगा अपने नेचर में, नहीं तो जा जा तो दोस्तों ये चला जाएगा। ये अभी गुस्सा और डर के वजह से हुड लेके खड़ा हो गया है, लेकिन ये अपने आप से ही चला जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक हमारा सूचना पहुँचे और वो हमें कॉल करके सूचना दे रेस्क्यू के लिए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, और जो हमारे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि स्नेक वाइल्ड लाइफ में जितना एनिमल्स है उसका रेस्क्यू रिलीज इन्फॉर्मेशन का वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और दोस्तों इसका हुड देख लीजिए एक बार, इसके हुड के पीछे जो डिजाइन है ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन लोग कहते हैं, मतलब लोग बोले तो कोई भी रेस्क्यूअर कहते हैं, ज़्यादातर रेस्क्यूअर के एल्बिनो कोबरा है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, हो सकता है इसके पीछे डिजाइन नहीं है। सांपों का पहचान बहुत काफ़ी सारे कारण से होता है, इसका भी वीडियो हम लोगों ने बनाया है, प्लीज़ आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बांग्ला।